मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो विपक्ष में रहते हैं तब सिर्फ राजभर समाज की बात करते हैं। कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप बताइए कि वो लोग जो जूता पॉलिश करते थे उनमें क्या कमी रह गई थी कि आप जूता पॉलिश करने चले गए? समाजवादी पार्टी ने उन्होंने 17 टिकट दिया था, उस 17 टिकट में एक भी राजभर समाज को टिकट देने का काम ओम प्रकाश राजभर किए? वो लड़े थे, उनके लड़के लड़े थे। वो तो परिवारवाद ना हो गया। उत्तर प्रदेश में राजनीति हमेशा गर्म रहती है। राज्यसभा चुनाव खत्म हुआ, सपा के विधायक टूटे, सुभाषपा के दो विधायक टूटे। आज वही सुभाषपा के नेता ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश कैबिनेट में योगी की कैबिनेट में मंत्री बनाने जा रहे हैं। राजभर समाज खुश है या नहीं खुश है? हमारे साथ पंकज राजभर जी हैं, आपका एक वीडियो हम लिए हुए थे इंटरव्यू। चाचा बनने जा रहे हैं आपके मंत्री भी, लड्डू बांटेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको बधाई और फ्रीडम दवाई फ्रीडम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके सभी दर्शकों को भी धन्यवाद। और रही बात चाचा को बधाई देने वाली, तो आप भी जानते हैं कि बड़ी मेहनत के बाद, नाक रगड़ने के बाद, अपना आत्मसम्मान अपना स्वाभिमान बेचने के बाद, 6 महीने के बाद आज सिर्फ आचार संहिता 5 दिन बचा है। तो मंत्री अगर बना भी रही है भारतीय जनता पार्टी, तो राजभर समाज का एक सवाल है कि आप मंत्री बन के क्या राजभर समाज को SC आरक्षण दिलाएंगे? आप कहते थे, मांग तो करते हैं ना? नहीं, मांग तो करते थे, आप तो सत्ता में, आप आज अगर मंत्री बन जा रहे हैं, किसी तरह बन जा रहे हैं, तो क्या राजभर समाज को SC आरक्षण दिलाएंगे? वो कहते थे ना कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो 50% महिलाओं को आरक्षण दिलाऊँगा, राजभर समाज के नौजवानों को IAS PCS बनाऊँगा। तब अब तो हम लोग राजभर समाज के लोगों की मांग है ना, अगर किसी तरह उनको मंत्री बना दिया जा रहा है या स्टूल मिल जा रहा है वो, तो समाज के जो मुद्दे हैं उनको पूरा करने का काम करें। राजभर समाज खुश रहेगा ना? अगर राजभर समाज की मांगों को, राजभर समाज को आरक्षण, राजभर समाज को कहते थे विपक्ष में कि IAS PCS बनाऊंगा, तो अगर IAS PCS नहीं बनाएंगे तो फिर खुश कैसे रहेगा? तब अपनी रोटी सेकेंगे? लगातार वो राजभर समाज की बात करते हैं, तो हो सकता है बनाए। समाज के नेता, इतने बड़े नेता हैं, पार्टी है उनकी, विधायक हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब वो विपक्ष में रहते हैं तब सिर्फ राजभर समाज की बात करते हैं। अगर आज मंत्रिमंडल उनको मिल रहा है, अगर आज शपथ ले रहे हैं, तो आज के बाद राजभर समाज की मांगों को, राजभर समाज के मुद्दों को उठाने का काम करें। राजभर समाज को कहते थे वो विपक्ष में कि हम IAS PCS बनाएंगे, राजभर समाज को SC आरक्षण दिलाएंगे, तो अगर ये सब दिलाते हैं, ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी कराएंगे, महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाएंगे, यह सब मांगे जब पूरा करेंगे तब राजभर समाज खुश होगा, ऐसे नहीं खुश होगा। दावा तो करते हैं कि चुनाव लोकसभा का होने वाला है, राजभर पूर्वांचल में अच्छे खासे हैं, NDA को वोट देंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। उनके दावा करने से नहीं, अगर आज वो मंत्री हैं, राजभर साथ रहेंगे कि नहीं पूर्वांचल की मोदी जी के? पहले बात तो सुन लीजिए, राजभर समाज, पहले राजभर समाज को जो 200 साल से हुआ चूरन देके अगली बार भी BJP में मंत्री बने थे और कहते थे कि मैं राजभर समाज को IAS PCS बनाऊंगा, मैं राजभर समाज को SC आरक्षण में दिलाऊंगा, मैं राजभर समाज को तमाम तरीके का खूब जुमला देकर मंत्री बन गए, फिर से राजभर समाज का वोट लेकर BJP में। अगर इस बार पहले वो तो मांगे पर ठुकराए भी तो थे, वो समाज के लिए ठुकराए थे बोलते हैं मंच से। जब उन्हें भारतीय जनता पार्टी लमचूस देना शुरू कर दी तो उन्हें लगा कि अब अच्छा। उनका एक बयान वायरल हुआ था, भाजपा में जो हैं लीडर नहीं लोडर हैं, भाजपा में गए हैं आपके चाचा। तो मैं चाचा जी से तो यही सवाल कर रहा हूँ कि चाचा जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है और पहुँचती भी है, मुझे पूरा जानकारी है, अगर आप ही कहते थे कि जो पिछड़े दलित समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी में हैं वह जूता साफ करते हैं, तो मैं ओम प्रकाश राजभर से पूछना चाहता हूँ कि ओम प्रकाश राजभर जी, आप बताइए कि वो लोग जो जूता पॉलिश करते थे उनमें क्या कमी रह गई थी कि आप जूता पॉलिश करने चले गए? यही सवाल है उनसे, मेरा जवाब दें कि आप ही ना कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में जो नेता है वो पिछड़े दलितों के हितैषी नहीं है, वो दुश्मन है। राजभर समाज की आप युवा हैं, एक सवाल हमारा रहेगा, राजभर किधर जा रहा पूर्वांचल? राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ है, और इसलिए साथ है कि राजभर समाज को अगर किसी पार्टी ने सम्मान दिया है तो समाजवादी पार्टी में है। तो कहते कोई नहीं यादों को बनाए, मैं उदाहरण के तौर में आपको बता तो रहा हूँ। ये किसको बनाए? आपके अम्बेडकर नगर जिले में आदरणीय रामचल राजभर जी को टिकट दे, माननीय राष्ट्रीय ने टिकट दिया। बगल के जिले में आजमगढ़, जो गृह जनपद हमारा पड़ता है आजमगढ़, वहाँ माननीय कमलाकांत राजभर पप्पू जी को टिकट मिला। मऊ में, मऊ जनपद के निवासी हैं राम जतन राजभर, उन्हें MLC बनाया गया।
आजमगढ़ के ही निवासी आदरणीय राम दुलार राजभर जी ने समाजवादी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। जनपद चंदौली के रहने वाले जिला अध्यक्ष हैं वर्तमान समाजवादी पार्टी के श्री सत्यनारायण राजभर। मुझ जैसे किसान गरीब के बेटे को राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उपाध्यक्ष बनाया और जब भी राजभर समाज की मांगों को लेकर जाता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विपक्ष में है, उसके बाद भी राजभर समाज की जितनी हो सकती है मदद उतनी करते हैं। हमारे सरकार राजभर जी भी तो राजभर समाज को आगे बढ़ा रहे हैं, तो क्यों आपके साथ जाए? एक भी बता दीजिए कि जब राजभर समाज को एक भी टिकट दिए, जब गठबंधन हुआ एवं प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी ने उन्होंने 17 टिकट दिया था, उस 17 टिकट में एक भी राजभर समाज को टिकट देने का काम ओम प्रकाश राजभर किए? वो लड़े थे, उनके लड़के लड़े थे, वो तो परिवारवाद ना हो गया जो उनके राजभर तो है ना। अरे राजभर और 17 सीटों उन्होंने जो सौदा किया, आप देखे होंगे बगल में ही एक और गठबंधन पार्टी थी जो राष्ट्रीय 7 टिकट दिए थे, जो उन्होंने अपने समाज के लोगों को साथ में साथ पटेल को लड़ाने का काम किया। यह कम से कम 6 पटेल राजभर लड़ा दिए होते ओम प्रकाश राजभर, सब टिकटों पर उन्होंने सौदा किया और खूब मलाई रखकर मजा ले रहे हैं और समाज के वोटों को बेच रहे हैं बस। ओम प्रकाश राजभर जी से मीडिया के एक साथी ने बात किया था तो उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, 69,000 शिक्षक भर्ती वालों को बोला था वो लाज जूता खाने लायक है, पिछड़े समाज के लड़के बैठे हैं, ऐसा काहे बोल रहे हैं? जो ये नौजवानों को बोल रहे हैं यह एक रोड छाप नेता की भाषा है, और दूसरी बात भारतीय जनता पार्टी में वही उनकी हालत खुद हो रही है। तो राजभर भी है ना, तो काहे बोल रहे हैं? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि वो एक रोड छाप नेता की भाषा है। आओ क्षेत्र में आइए, वही शिक्षक जो नौजवान धरना दे रहे हैं वही जूता का माला पहनाएंगे ओम प्रकाश राजभर को, चिंता मत करिए, आइए क्षेत्र में, वही लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। उनके लड़के हैं अरुण राजभर, हाँ। अखिलेश यादव पर एक टिप्पणी किए थे कि उनको अंडा बेचवा देंगे। मैं तो एक बार और मीडिया चैनल में कई बार कह चुका हूँ मीडिया के साथियों से कि वो पता नहीं फर्जी डिग्री क्या है जो डॉक्टर लिखने का काम करते हैं, जो एक पीएचडी धारक जो पीएचडी किया हो उसकी यह भाषा हो सकती है, वो तो मैं फर्जी डिग्री मानता हूँ, नहीं तो ये रोड छाप भाषा, रोड गली छाप की भाषा, ऐसे कोई थोड़ी बोलता है। राजभर समाज फिर किधर जा रहा? एकदम मैं आपको एकदम साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी हमेशा, इतिहास गवाह है कि समाजवादी पार्टी राजभर समाज के साथ खड़ी है और राजभर समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है, बस।